आज भी मौजूद है भगवान श्री राम के वंशज। सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है। क्या हुआ, जब एक लड़की ने खड़े होकर कोर्ट में दावा किया भगवान श्री राम के वंशज के बारे में। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि भगवान श्री राम के वंशज कौन है, कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री राम के वंशज के बारे में ही बताने जा रहे हैं। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि राम नाम से अछूता रहा हो। किसी के मन में राम बसे हैं तो किसी के तन में राम बसे हैं। राम के राज और प्रशासन को प्रतिमान माना गया है। हम सभी जानते हैं भगवान श्री राम रघुवंश के थे और इस वंश की जड़ें इश्वाकु और विवस्वान यानी कि सूर्य से जुड़ी रही हैं। राम के बाद लव और कुश ने इस वंश को आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों, जब राम मंदिर का फैसला हो रहा था तब 9 अगस्त को अदालत ने राम मंदिर के पक्ष में लड़ रहे वकील से पूछा कि क्या कोई इस मंदिर का वंशज है। वकील ने कहा, मुझे नहीं पता। उसके बाद सभी के सामने एक लड़की आई और कहा कि हाँ, मुझे पता है भगवान श्री राम का वंशज कौन है। दरअसल दोस्तों, वो लड़की और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री राम के वंशज परिवार से जुड़े जयपुर राजघराने के पूर्व महाराजा भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी थी। दिया कुमारी का कहना था कि हम नहीं चाहते थे कि वंशज का मुद्दा बाधा बने। राम सबके आस्था के प्रतीक हैं, इसलिए हम आए हैं और ये बताना चाहते हैं कि हाँ, हमारा पूरा परिवार भगवान श्री राम के वंशज से जुड़ा हुआ है और इसका सबूत सिटी पैलेस के पोथी खाने में मौजूद है। इस बात को साबित करने के लिए दिया कुमारी ने कई सारे दस्तावेज भी अदालत के सामने पेश किए थे, जिससे ये जाहिर होता है कि ये राज परिवार भगवान राम के बड़े बेटे कुश की वंशावली में आते हैं। वो कछावा या कुशावा वंश के वंशज हैं। पूर्व राजकुमारी और राजस्थान के राजसमंद से मौजूदा भाजपा सांसद दिया कुमारी ने इसके कई सबूत भी दिए हैं और उन्हीं दस्तावेजों में से एक था जिसमें भगवान श्री राम के सभी पूर्वजों का नाम लिखा हुआ था क्रमानुसार। साथ ही इसी में 289वें वंशज के रूप में सवाई जयसिंह और 307वें वंशज के रूप में महाराजा भवानी सिंह का नाम लिखा है। और इन रिकॉर्ड्स की माने तो ये कहा जाता है कि वर्तमान में ये लोग सिसोदिया, कुशवाहा यानी कछावा, मौर्य, शाक्य, बैचला यानी बैसला और गहलोत यानी गोहिल आदि राजपूत वंशों के नाम से जाने जाते हैं। राम के बड़े पुत्र कुश के नाम से राजस्थान के कुछ राजपूत वंश शुरू हुए हैं। वंशावली के मुताबिक 62वें वंशज राजा दशरथ, 63वें वंशज श्री राम और 64वें वंशज राम के बेटे कुश थे। इसके बाद ये वंशावली जारी है। अब जयपुर की राजधानी में आमेर और पुराना जयपुर में रहने वाले राज परिवार के लोग कुश के वंशज हैं। इस वंशावली से जुड़े दो पुराने और भी दस्तावेज जयपुर के राज परिवार के सिटी पैलेस में रखे हैं। पोथी खाने में 9 दस्तावेज और 2 नक्शे हैं जो कि ये बताते हैं कि राजस्थान का प्रभु श्री रामचंद्र जी से बहुत करीबी रिश्ता है। भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज कुशवाहा वंश के संस्थापक राजा कुशवाहा के ही वंशज है जो कि राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फैला है। इन वंशों के अलावा भारत में कई अन्य वंश भी हैं जो कि स्वयं को भगवान राम के वंशज मानते हैं। हालांकि इन वंशों के वंशावली साक्ष्यों की कमी के कारण उनके दावे को लेकर विवाद है। वहीं अगर हम जयपुर राजघराने के पूर्व महाराजा भवानी सिंह के घराने के इतिहास की बात करें तो महाराजा मान सिंह ने 3 शादियां करी थी। मान सिंह की पहली पत्नी मनुधर कन्वर, दूसरी पत्नी का नाम किशोर कन्वर और मान सिंह ने तीसरी शादी गायत्री देवी से करी थी। महाराजा मान सिंह और उनकी पहली पत्नी से जन्मे पुत्र का नाम भवानी सिंह था। भवानी सिंह का विवाह राजकुमारी पद्मिनी से हुआ, लेकिन दोनों का कोई बेटा नहीं है, एक बेटी है जिसका नाम दिया है और इनका विवाह नरेंद्र सिंह के साथ हुआ। दिया कुमारी और नरेंद्र सिंह का तलाक हो चुका है और इस समय दिया कुमारी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है। दोस्तों, इस जानकारी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत और नमस्कार।